जी और कृष्ण जी भी आपके परिवार के लिए भी मंगलमय और शुभ समय भी आने वाले होंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रेस क्लब की मीटिंग में दिवाली मिलन समारोह में मुझे आमंत्रित किया। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप लोगों से काफ़ी दिनों से मुलाकात है, मुझे अभी सबसे ट्रेनिंग से आया हूँ तब लोगों से आपसे मुलाकात है। हमेशा आप लोगों का स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है और आप लोगों की जो आपने कुछ सब मेरे बारे में कहे हैं उनसे मुझे एक प्रेरणा ही मिलती है कि आगे के लिए अच्छा काम करें। आप लोगों की जो आशाएं हैं, जो हमारे ऊपर जो आशाएं हैं आपकी पुलिस डिपार्टमेंट में और मेरे पे, उन पे हम खरा उतरने की कोशिश करें और जो आप लोगों ने ये सब कहे मेरे बारे में वो हमें आगे भी अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे और भी मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेंगे और समाज के अंदर न्याय देने की कोशिश करेंगे। पत्रकारिता समूह का आपके लोगों में जब शुरू में यहाँ पे सच्चो बन के आया था तब भी हमें आप लोगों से दिखा था, तो ये मेरे लिए जो सफेदों की जो मेरा ये आपके कार्य रहा है, ये सफेदों का कार्य मेरे लिए एक सीखने का दौर था। सीखने के दौर में आप लोगों से काफ़ी अच्छा सहयोग मिला, आप लोगों की मिलनसारिता, आप लोगों ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी, आके हमें बताते थे समाज में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, सारी बातें आप मुझे साझा करते थे। इस तरह से मुझे लगता है कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग मेरे साथ रहा है और आशा करता हूँ कि आगे भी रहेगा। पत्रकारिता एक हम कहते हैं कि एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो जुडिशरी है या एग्जीक्यूटिव जैसे हमारे लोग हैं और जुडिशरी है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तीनों को एक आप जवाबदेही फिक्स करते हो, उनकी कार्य को लोगों के सामने लाते हो, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद है। इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है, बाकी किसी भी स्तंभ के लिए सारी प्रक्रिया के तहत गुजर के एक आदमी बनता है, या तो चुनाव के बाद में कोई MP या MLA बनता है या एग्जाम वगैरह पास करके बाद में कोई एग्जीक्यूटिव में आता है या फिर पुलिस में आता है। लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आप लोगों को इतना बड़ा दायित्व दिया गया है, एक चौथा स्तंभ लोकतंत्र का भाग गया है, इसलिए इसका मायना यह है कि आप लोगों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी आप लोगों को एक तो समझनी पड़ेगी और इसका निर्वाह भी करना पड़ेगा, क्योंकि समाज का विश्वास आप लोग तभी जीत पाएंगे जब तक लगातार आप निष्पक्ष तरीके से अच्छी सोच के साथ और बिल्कुल तथ्यों को ध्यान रखते हुए पत्रकारिता करेंगे। अभी आप थोड़े दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, एक अवमानना का केस है जिसके अंदर न्यायालय ने टिप्पणी की है कि दूरदर्शन का जो जमाना था, जब वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था और वहाँ पर जो पत्रकारिता होती थी वो ज़्यादा अच्छी थी, आज के जमाने में हाईकोर्ट को न्यायालय को ऐसी टिप्पणी करनी पड़ती है, तो एक बार हमें सोचना चाहिए कि ऐसी बात तो नहीं है कि कुछ गलत हो रहा हो। तो आप लोगों का एक बड़ा दायित्व का कार्य है, आप हम सब लोगों को की जिम्मेदारी फिक्स करते हैं, सरकार की जिम्मेदारी फिक्स करते हैं और जो बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता, उन लोगों की आवाज़ आप सब तक पहुँचाते हैं। तो इस तरह से मेरा ये मानना कि आपका काम मैं कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी उतनी मेहनत के साथ कार्य करने की जरूरत है। समाज आगे तभी बढ़ पाएगा जब आप लोग जो बातें हमारी नज़रों से रह जाती है, क्योंकि हम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, रूल्स रेगुलेशन बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, कुछ कुछ चीज़ें हमारे नज़रों से बाहर रह जाती है, वो सब आप लोग ही ऐसे हैं जो हमारी नज़रों में ला सकते हैं, हमारा दायित्व है, हमारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं और हम लोगों को भी सही काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी इस जिम्मेदारी को समझेंगे, हमेशा तथ्यों के बेसिस पे आप रिपोर्टिंग करेंगे, पक्षपात करना, किसी एक ही पक्ष को आगे बढ़ाना, किसी एजेंडा के तहत काम करना, ये सब पत्रकारिता की विश्वसनीयता को धीरे धीरे खत्म कर देगा। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, सत्य का साथ दें, तथ्यों का साथ दें और जो गलत कर रहे हैं उसको गलत कहें, जो सही कर रहे हैं उसको सही कहें, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। मेरा आप लोगों से काफ़ी दिनों से इंटरेक्शन रहा है, सफेदों के साथ ही काफ़ी जिम्मेदार हैं, सजग है और कर्मठ है, पत्रकारिता में उनका साथ हमेशा मिला है, हम लोगों के साथ भी इनका अच्छा सामंजस्य रहा है। तो समाज में कभी भी किसी भी केस में गलत हो रहा होता है, कुछ हो रहा है, तो आप लोग आगे आके हमें बताते हैं, जिससे हमें भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है, साथ ही सही निर्णय लेने में भी सहायता मिलती है। आप सफेदों में आपने कहा कि क्राइम मुक्त हो गया, क्राइम तो ऐसा है कि ये चलता रहता है, लेकिन कोई भी ऐसा बड़ा
क्रिमिनल या ऐसा कोई तकनीका ना हो जो कि समाज को परेशान कर रहा हो, ये हमारी कोशिश रहती है कि कोई ऐसा कुछ ना हो पाए, कोई भी ऐसा क्रिमिनल ना बन पाए जो कि समाज को तकना ना लग जाए और हमसे बाहर रहे। सकीलों में मेरे लिए तो पूरा सीखने का दौर ही रहा है, पुलिस इनसे पहला नाता ही यहाँ जो पूरी मेहनत और लगन से सभी तो हल्के को क्राइम से मुक्त करने का हर संभव प्रयास कर रहे आए गए। और मैं अपनी बात बता दूं कि हम फील्ड के अंदर रहते हैं, फील्ड में जहां भी हम बात करते हैं सभी से बात करते हैं, ऑफिसर से बात होती है, लेकिन आज हमें बड़ा गर्व हो रहा है ये बताते हैं पूरी सभी तो प्रेस क्लास को कि अजीत सिंह शेखावत जी जो है इनका नाम बड़े मान सम्मान के साथ लिया जाता है और लोग इनके कार्यशैली से इनके व्यवहार से और जिनका मधुर व्यवहार है उसे लेकर खास कर इनके कायल है सलाहकारी सच्चाई कर सच्चाई है पूरा दिन मिल कर रहते हैं सर आपके बारे में। सभी तो जो जनता है बहुत ही पॉजिटिव है, कोई एक आदमी पर्सन है जो क्राइम से जुड़ा हुआ है या किसी नशे के अपराध से जुड़ा हुआ है, ऐसे कुछ चंद लोगों को छोड़कर जो सभ्य समाज के लोग हैं वो आपके पास कायल है सर, जिसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और पूरी सभी तो प्रेस क्लब की ओर से मैं इसके विशेष में बधाई देती हूँ। और आज दीपावली मिलन समारोह के मौके पर जैसी दौर के हॉल के अंदर आप पहुँचे हैं, हमारा छोटा सा निमंत्रण था जैसे मैंने पहले कहा आपका बड़ा मधुर स्वभाव है, कार्यशैली बहुत अच्छी है आपकी सर, आपने एक छोटे से निमंत्रण पर हमें अपने इतने कीमती समय दिया कि आपने दिवाली में छुट्टी लेके घर जाना था नहीं पता था, लेकिन आपने फिर भी उसे भी दो घंटे का समय हमें दिया, इसके लिए एक बार बहुत बहुत आपका दिल की गहराई से पूरा सुविधा प्रेस क्लब का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता है सर के लिए। अलग से वेलकम के लिए स्वागत के लिए बहुत जोरदार अधिकारी से कहा जा रहा है मौजूद है हमारे बीच में। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा एक बार फिर से इनका और पूरी की ओर से इनका एक बार फिर से हमारे छोटे से कार्यक्रम में पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और दिल की गहराई से इनका हमारी पूरी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक जय हिंद सर, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आईपीएस अधिकारी अजीत सिंह शेखावत जी रियल में जब सबसे पहले आपसे मुलाकात हुई थी तो रियल में आपको एक आईडियल आपको आदर्श मानते हुए युवा क्योंकि संघर्ष के साथ साथ जो न्याय की जो प्रक्रिया है आपके जो केस के जो आप केस हैंडल करते हैं वो तरीका जबरदस्त है और न्याय प्रक्रिया में जो जो आप चलते हैं उसी हिसाब से जो आप इंसानियत के नाते ज्यादातर जो फैसले होते हैं आप चाहते हैं कि एफ आई आर गए हो जो मामला हो हम चाहते हैं वहीं पर उसका निपटारा हो जाए, उसके लिए सैलरी सर आपको और संपीतों के सभी पत्रकार साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद कि आज दीपावली के इस मौके पर जो आपने समारोह किया है बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्राउंड मीडिया वेब चैनल हमारा क्योंकि सोशल मीडिया आज लगातार पूरे विश्व के अंदर बढ़ता जाने लग रहा है और इसलिए हमारा भी एक छोटा प्रयास था ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आज पूरे हरियाणा के अंदर टैग टॉक चैनल के अंदर ग्राउंड मीडिया का नाम शामिल है सर और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।